बैक टू माय चैनल बोनसाई फैक्ट्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि रिलेशन पानी का, पानी डालने का और बोनसाई का क्या है। देखिए यूं तो पानी डालना कोई ऐसा लगता है कि ये कोई टॉपिक नहीं है या ये कोई पॉइंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बोनसाई के अंदर पानी डालना ही है, क्योंकि पानी का ठीक न डालने से हमारा पेड़ पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है या उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि पानी जब भी आप गिरें तो आप पानी के दिन के अंदर, गर्मियों के अंदर सुबह और शाम गिरिए, सुबह पानी गिरिए और शाम को गिरिए। आप कहोगे सुबह और शाम को क्यों, एक बार में क्यों नहीं हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सुबह फोटोसिंथेसिस होती है, तो पानी जब भी गिरें आप तो पत्तों को भी हुई है, पत्तों ऊपर से भी हुई है और नीचे से स्प्रे भी कीजिएगा, नंबर एक। नंबर दो, शाम को पानी देंगे तो पानी मिट्टी के थ्रू नीचे जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा और पूरे पेड़ के अंदर, पूरा पेड़ एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, खाना उसके साथ जाएगा और अगले दिन के लिए वो एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये तो था सुबह और शाम पानी देने का। नंबर दो, जब भी पानी आप दें, अगर बरसात हो तो आपने बोनसाई को बरसात का पानी ज़रूर दें। तो उसकी रीज़न क्या है कि बरसात के पानी में वो सब कुछ, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिलते हैं जो पेड़ के लिए हम मिट्टी से नहीं मिल पाते, तो इसलिए उसको दें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि जब भी पानी बरसात का पानी बोनसाई के ऊपर पड़े तो उसको जाने दीजिए, खूब भीगने दीजिए, लेकिन बाद में उसको अगले दिन उसको सुबह फ्रेश वाटर से उसको साफ़ कर दीजिए, साफ में इसको स्प्रे कर दीजिए, ताकि बरसात का पानी उसकी पत्तियों पर पड़ा ना रह जाए। कभी कभी क्या होता है, एसिड उसमें पानी में आ जाता है तो हमारी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बेहतर तरीका है कि पानी अंदर जाए लेकिन वो उसको पत्तियों को इफ़ेक्ट ना करें, तो उसे अगले दिन धो दीजिए। और जब भी पानी आप दें और पेड़ के ऊपर बौर आ रही हो, उसका फल, उसका बडिंग स्टार्ट हो गई हो या फल का स्टार्ट आना स्टार्ट हो गया हो, तो पानी एकदम आप कम कर दीजिए। पानी कम नहीं करेंगे और रेगुलर जैसे देते आ रहे हैं वैसे करेंगे तो उसके फल नीचे गिर जाएंगे, पर जो नए फूल हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे। तो बेहतर यह है कि पानी उसके अंदर कम कीजिए, उसकी क्वांटिटी बहुत कम, आधी कर दीजिए पानी की। इसके बाद जब भी आप जब बडिंग हो या बौर लगी हो तो पानी उसके ऊपर नहीं गिरेगा, ऊपर से पानी देना बंद कर दीजिए, क्योंकि वजह है कि बड के ऊपर या बौर के ऊपर पानी की एक बूंद भी गिरेगी तो वो मुरझाएगी, आपस में मिल जाएंगे और वो खिल नहीं पाएगा। तो बेहतर ये है कि जब भी इस तरह की बडिंग स्टार्ट हो या बौर स्टार्ट हो तो उसको ऊपर से पानी देना बंद कीजिएगा और नीचे से पानी दीजिए, क्योंकि जब बडिंग स्टार्ट हो गई, फूल आना स्टार्ट हो गया तो आप पानी की तो कम करेंगे, तो पानी बेहतर है कि ऊपर से एक ऊपर का पानी देना बंद कर दो, नीचे पानी देते रहें। जब कभी कोई पेड़ के ऊपर फल, फूल या फल ख़त्म हो जाए, मतलब बोगनविला है तो बोगनविला के ऊपर फल फूल आना बंद हो गया, तो उसके बाद उसको आप प्रूनिंग करें, नंबर एक, और साथ साथ पानी की मात्रा बढ़ा दें, आप उसको खाद देना शुरू करें, आप पानी उसको ज़्यादा दें, तो वो ज़्यादा का मतलब, देखिए बोगनविले के अंदर पानी कम दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा का मतलब कंपेरेटिवली जो आप पहले ज़्यादा कम कर रहे थे फूलों की वजह से, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा दें, तो ये उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ये सिर्फ बोगनविले नहीं, किसी और भी पेड़ के ऊपर अगर आपके उसके बौर ख़त्म हो गई या फल ख़त्म हो गया हो और वो पेड़ बिल्कुल नॉर्मल पेड़ बन गया है, तो उसके अंदर उस टाइम उसके खाद भी ज़्यादा दीजिए और उसको पानी भी ज़्यादा दीजिए। जब कभी आप पानी दें तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी, अगर पॉट के अंदर पानी अगर बाहर निकल गया तो हमारा सब पानी बेकार। तो बेहतर यह है कि जब आप रिपॉटिंग करें तो उसके चारों तरफ, पॉट के चारों तरफ आप नाली बनाएं, बिल्कुल जब नाली बनाएंगे तो पानी जो ऊपर से गिरेंगे तो नाली में टिक जाएगा,
और पानी उस वहाँ टिका हुआ पानी वो पॉट के अंदर चला जाएगा जहाँ हमारी रूट्स, क्योंकि सारी रूट्स हमारी बोनसाई की सारी रूट्स ब्रिम पर आती हैं, किनारे पर आती हैं, तो पानी वहाँ ऑलरेडी मिला होगा तो उसको खाना बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो आप यही ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पॉट कोई हो अगर उसके अंदर पानी बाहर जा रहा हो तो कोशिश कीजिए पानी बाहर ना जाए, बल्कि नाली नाली बनाइए और नाली के अंदर पानी वो रहना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि आप जब कभी कोई भी पेड़ जिसकी पत्तियां जितनी बड़ी होंगी तो पानी उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए, जिसकी पत्तियां जितनी छोटी होंगी उसको पानी उतना ही कम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इसकी पत्ती इतनी छोटी है तो इसके अंदर पानी कम देना चाहिए, और अगर मान लो ये अगर मान लो ये रबड़ का प्लांट है, इसकी पत्ती बहुत छोटी है तो इसके अंदर पानी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी इवेपोरेट पत्ते के थ्रू ज़्यादा होता है तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप ध्यान रखें तो इसके अंदर पानी वो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा आप देखिए, जब आप पानी देंगे आप इसके अंदर और आपको अगर मालूम नहीं है कि इसके अंदर पानी नीचे निकल जाना चाहिए, तो अगर नीचे अगर पानी आपका जमा हो गया पॉट के अंदर तो पानी जमा होने का मतलब है कि उसका स्लो डेथ स्टार्ट हो गई। तो बेहतर है जैसे ही पानी स्टार्ट, अगर आपका पानी पॉट के अंदर इकट्ठा होता है तो आप उसका कोई ना कोई उसको रिपॉट कीजिए या उसके होल साफ कीजिए तो पानी उसके थ्रू होल्स के थ्रू नीचे निकल जाए, क्योंकि पेड़ को हमारे पेड़ को सिर्फ चाहिए क्या अंदर पानी, नहीं पानी नहीं चाहिए, हमें मॉइस्चर चाहिए उसके अंदर। तो मॉइस्चर होगा तो वो उसका खाना भी अच्छा बनेगा, उसकी अंदर जो ग्रैनुल्स हैं वो सॉफ्ट होंगे तो उसकी जो हेयर रूट्स हैं उसमें जाएंगी और उसका खाना अंदर से लेकर और पूरे पेड़ के अंदर पहुंचाएंगी और हमारा पेड़ बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखें तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हम जब अपने बच्चों को पालते हैं तो बच्चों का पालना और बोनसाई को पालना एक ही जैसी बात है। अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग में डिप्राइव करें तो उसको उन चीज़ों की वैल्यू पता लगती है। द सेम थिंग इज विद द बोनसाई ऑल्सो। जब आप महीने में एक बार पौधे को अपने बोनसाई को पानी से डिप्राइव जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब डिप्राइव करेंगे उससे आप कहेंगे कि डिप्राइव का मतलब उसको वंचित करें, पानी ना गिरें उसको। जब पानी नहीं गिरेंगे और अंदर से सूखा होगा तो अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हुआ उसको लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए रूट्स जो हेयर रूट्स हैं वो आगे बढ़ेंगी, और उस रेयर हेयर रूट्स तो इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि उसको पानी चाहिए तो जिधर मॉइस्चर होगा उधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी, और उससे असर ये होगा कि रूट्स हमारी बढ़ जाए, रूट्स का हमारी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अब ये डिप्राइव करने का ये फ़ायदा हुआ। अब जबकि रूट्स जैसे ही जैसे सॉलिड होती हैं हमारा पेड़ उतना ही अच्छा बनता है। तो अगर आप महीने में एक बार आप उसको पानी से डिप्राइव करेंगे तो 100% उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, ना कि उस पेड़ पर गंदा आएगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पानी को एक बोनसाई को पानी नहीं दिया तो यार ये ख़राब हो गया, अच्छी बात नहीं है। ना ऐसा नहीं है, उसको डिप्राइव 100% कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, जब गर्मियाँ ज़्यादा हों जैसे मई और जून के अंदर है, या पूरे इंडिया में कहीं पर भी जहाँ गर्मी ज़्यादा आपको लग रही हो कि गर्मी ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी है, तो उन दिनों हर सूरत में अपने पेड़ को महीने में दो बार आप पानी के टब लीजिए, पानी भरिए और उसके अंदर पूरे अपने पॉट को उस पानी के अंदर विमर्श कीजिए, उस पानी के अंदर डालिए, और वहाँ तक पानी हो जहाँ तक तने के नीचे वाले पार्ट तक ये आप पानी के अंदर भिगोइए, ताकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ताकि नीचे से और ऊपर से पानी मिट्टी के अंदर पहुंच जाए और वो मिट्टी अगले 15 दिन के लिए फिर तैयार हो जाए। वरना क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अंदर का पानी ऊपर से दे देते हैं तो लगता है कि हाँ ऊपर से हो गया, लेकिन अगर हम 15 दिन में एक बार उसको करेंगे तो पानी अंदर तक उसका मॉइस्चर रिटेन करेगा और वो पेड़ अच्छा रिजल्ट आपको देगा।
तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, तो ताकि और लोगों को फ़ायदा हो इसका हो। और मेरा फ़ोन नंबर 93124 06601 है। थैंक यू।